बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी विवाह मंगनी और बर्थडे पार्टी के लिए एसी हॉल और एसी रूम के साथ होटल सिवान पैलेस बिल्कुल आपके बजट में उपलब्ध है। सबसे सस्ता सबसे अच्छा। पता इसके जी मिल बाईपास रोड चमरा मंडी सिवान। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बघौनी पंचायत की मुखिया ज्योति देवी के घर अपराध की योजना बना रहे तीन बदमाशों को पुलिस ने शनिवार की देर शाम हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास एक 9 mm का पिस्टल व 3 गोली, 1.765 mm का पिस्टल व 3 गोली तथा 315 बोर का एक कट्टा व 1 गोली बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सराय ओपी क्षेत्र के मखदूम सराय निवासी विक्रमजीत गुप्ता उर्फ झिंगना, पचरुकी थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी अंगज मिश्रा व आंदर थाना क्षेत्र के भरौली निवासी अजीत कुमार उर्फ अमर के रूप में हुई है। गिरफ्तार बदमाशों में शामिल विक्रमजीत गुप्ता उर्फ झिंगना व अंगद मिश्रा का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। उक्त दोनों बदमाशों के विरुद्ध नगर थाना व गोपालगंज के माझागढ़ थाना में कई मामले दर्ज हैं। एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा ने मामले में प्रेस वार्ता कर बताया कि शनिवार को हुसैनगंज थाना को गुप्त सूचना मिली कि बघौनी पंचायत के मुखिया ज्योति देवी के घर पर कुछ बदमाश एकत्रित हुए हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रही हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मुफस्सिल अंचल पुलिस निरीक्षक जयप्रकाश पंडित के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मुखिया ज्योति देवी के घर पर छापेमारी का आदेश दिया गया। इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही तीनों बदमाश भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान उक्त तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान तीनों बदमाशों के पास से अवैध अग्नियास्त्र व कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में बदमाशों ने मुखिया पति विश्वकर्मा बिंद के साथ मिलकर जिले के विभिन्न स्थानों पर पूर्व में आपराधिक घटनाओं की बात स्वीकार की। न्यूज़ तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कल हुसैनगंज थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। सर, सूचना के आधार पर हुसैनगंज थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मुफस्सिल और सराय थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम बनाकर छापेमारी की गई। सूचना के आधार पर बघौना मुखिया ज्योति देवी के घर के पास से 3 अपराधकर्मी पकड़े गए, जिनके पास से 3 पिस्टल, 7-8 गोली बरामद किया गया। तीनों अपराधकर्मी का नाम है विक्रमजीत गुप्ता जो सराय ओपी के रहने वाले हैं, अंगद मिश्रा जो हरदिया थाना पचरुखी के रहने वाले हैं, और अजीत कुमार अमर भरौली थाना आंदर के रहने वाले हैं। ये सभी अपराधकर्मियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास है जो आपको प्रेस ब्रीफ में भी दिया गया है। सभी हत्या लूट डकैती के कांड के पहले से अवांछित अपराधकर्मी रहे हैं, आरोप पत्रित हैं, और इन लोग की अभी लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में अपराध करने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं। तो कल इसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। से गिरफ्तारी से निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण में काफ़ी पुलिस को सहयोग प्राप्त हुआ। बस बाकी सब आपका तो पूरा डिटेल सही से ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। आप लोगों के लिए गोपालपुर में आज जमीनी विवाद में मार्ग ठीक हुआ।